कब से बेहोश है? सरकार, एक घंटे से ज्यादा हो गया। पर तू तो कह रहा था कि बड़ा तजर्बेकार आदमी है, इसे तो इतना भी नहीं पता कि बेहोश करने के लिए कितनी जरब लगानी है। फिक्र ना करे मुर्शद, करता हूँ कुछ। इसे होश में ला, होश में ला इसे। ठीक है मुर्शद, आप हवेली पहुंचे, कहीं वड्डे शाह जी को आप पर शाकी ना हो जाए। इसे कुछ हुआ तो कब्र गहरी खोदना जिसमें दो बंदे दफन हो सके। वो क्यों मुर्शद जी? क्योंकि महबूब शाह के शिकार को था मारने की सजा फिलहाल मेरे जहन में यही है। नालायक। सरकार, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ उसको बेहोश किया था। डंडा चलाने से पहले सूटा नहीं लगाना था ना? चल इसे होश मिला। बेहोश किया है। कितना शौक था ना शहनाज को बचपन से ही दुल्हन बनने का। हर त्योहार पर उसे दुल्हन बनने की पड़ी होती थी। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया पता ही नहीं चला। खेलते खेलते कब जवान हो गए, कब पराई घर चली गई पता ही नहीं चला। अरे बेगम, जब बेटी ब्याह के किसी घर चली जाती है तो वो लोग प्राय नहीं रहते। वो घर हमारी बेटी का घर भी है, प्राय नहीं है वो। सही कह रहे हो, बेटी जिस घर की जीनत बन जाए वो घर पराया नहीं होता। हाँ, अब तो बस खुदा से एक ही दुआ है कि खुदा हमारी बेटी को अपने घर में इज्जत और एहतराम के साथ शादोआबाद रखे। इंशाल्लाह, इकलौती बहू है वो उस घर की, ठाट से रहेगी, राज करेगी, अपने राज करेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल।